और ये तस्वीरें जोधपुर की है जहां पर एक कार देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। धू धू कर ये पूरी कार जलकर खाक हो गई। शहर के ही सोजी गेट में मौजूद जनता स्वीट होम के बाहर खड़ी ये कार अचानक आग की लपटों से घिरी दिखने लगी। आसपास के इलाके में देखते ही देखते हड़कंप मच गया। आग की लपटें आसमान छूने लगी, लोग दूर भागने लगे। बताया जा रहा है कि कार के गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद अचानक इसमें आग लग गई और कुछ ही मिनटों में ये पूरी कार धू धू कर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शुक्र ये रहा कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आसपास के लोगों ने अग्निशमन दल को तुरंत इसकी सूचना दी। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, अन्यथा सिलेंडर में विस्फोट के बाद यह हादसा और बड़ा नुकसान कर सकता था। लेकिन बड़ी तादाद में लोग आसपास इकट्ठे भी हो चुके थे। और अब खबर सियासत से जुड़ी। पाटलिपुत्र का महासंग्राम बिहार में छिड़ा हुआ है। जिन्हें टिकट मिला है चुनावी मैदान में और जिन्हें टिकट नहीं मिला वो अपने ही तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लालू यादव की सभा में एक ऐसे ही नाराज कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया अपने कपड़े उतारकर। बिहार विधानसभा के दो चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से लालू की रैली सुर्खियों में है। इस बार लालू की रैली में आरजेडी कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी कार्यकर्ता ने लालू की रैली में शर्ट उतारकर हंगामा किया। कार्यकर्ता की हरकत को देखकर लालू ने मंच से ही बैठकर उसे थप्पड़ मारने का इशारा किया, लेकिन शख्स छाती पीट पीट कर हंगामा करता रहा। रैली में मौजूद लोगों ने भी शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन शख्स नहीं माना। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को खींचते हुए रैली से बाहर कर दिया। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य में एक लेख लिखा गया है इस उत्पात के उस पार। दादरी कांड में अखलाक की मौत को सही ठहराया गया है और इसके बाद सियासत भी गरमाने लगी है। हालांकि आरएसएस ने इस विचार से किनारा कर लिया है और लेखक की निजी राय से बताया। पांचजन्य के ताजा अंक में छपी कवर स्टोरी इस उत्पात के उस पार में कहा गया है कि वेद का आदेश है कि गौ हत्या करने वाले पापियों के प्राण ले लो। हमें से बहुतों के लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न है। सैकड़ों सालों से गोवध हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे पूर्वजों ने इसे रोकने के लिए जान की बाजी लगा दी। इतिहास में ऐसे सैकड़ों मौके आए जब मुस्लिम घुसपैठियों ने हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए उनके मुंह में बीफ ठूसना चाहा। आपको बता दें कि लेख तुफैल चतुर्वेदी ने लिखा है। इसी लेख में उन्होंने साहित्यकारों की ओर से सम्मान लौटाने को लेकर भी निशाना साधा है। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने कहा है कि इस लेख का संघ से लेना देना नहीं है। हिंसा की किसी घटना का समर्थन हम नहीं करते और जो लेख है, जैसे अलग अलग साहित्यकार अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अलग अलग लेखकों के मत हमारे पास आते हैं, उसमें से हम प्रकाशित करते हैं, ये लेख भी उसी में है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पार्टी के कुछ बड़बोले नेताओं के विवादित बयान से काफी नाराज हैं। आखिरकार अमित शाह ने कुछ ऐसे ही नेताओं को तलब किया और उन्हें नसीहत दी। अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, यूपी के बीजेपी विधायक संगीत सोम, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के अलावा एक और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पार्टी सांसद साक्षी महाराज को तलब किया। महेश शर्मा को छोड़कर सभी नेता अमित शाह से मिलने पहुंचे। महेश शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक बीफ पर दिए गए बयान को लेकर खट्टर और साक्षी महाराज को मिलने के लिए बुलाया गया था। बैठक के बाद नेताओं के सुर बदले बदले से नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो किसी काम से अध्यक्ष से मिलने आए थे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए तो पार्टी के विषय में ही कुछ बात हुई होगी। लेकिन जिस तरीके से बीफ को लेकर के बयानबाजी, नमस्ते प्रवक्ताओं से बात, विचार विमर्श होते हैं। ये सब लोगों को बुलाना जो मैंने 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 जो कहा वही हुआ। एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तुमने एक्शन किया तो रिएक्शन कुछ तो होगा ही। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से कहा कि सबसे बात करके इस मुद्दे पर हो रहे विवाद को खत्म किया जाए। इस बारे में जब हमने अमित शाह से पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस मुलाकात को एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन ये भी कि एनडीए का घटक दल है अकाली दल और इसने माना है कि दादरी की घटना के बाद पीएम मोदी की छवि पर इसका असर पड़ा है। अकाली दल के ही सांसद नरेश गुजराल ने सीधे तौर पर कहा है कि ये घटना शर्मनाक है। नरेश गुजराल ने कहा कि ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने बीजेपी के बड़बोले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अफसोस जताया।
अकाली दल के बयान के बाद कई लोगों ने उनके सुर में सुर मिलाया। आज बीजेपी के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है और बीजेपी के लीडरों पर कोई अंकुश नहीं है। बीजेपी के अंदर घमासान चल रहा है और उसके अंदर एक अजीब अंदरूनी खल्फेशार है। प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, बीजेपी के नेता कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं वो सब नफरत की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए सीधा संदेश है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लाल किले से, मॉरेटोरियम होना चाहिए, ये चीज़ें हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही हैं, पीछे ले जा रही हैं, तो क्यों नहीं अपने आनुषंगिक संगठनों में अपने लोगों पर लगाम लगाते हैं। दिल्ली के नांगलोई में 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पीड़िता के परिजनों ने कहा है कि इन आरोपियों को सामने लाया जाए। साथ ही साथ अस्पताल में इन परिजनों ने इन नाबालिग आरोपियों की पिटाई भी कर दी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नांगलोई में मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नाबालिग हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस केस को तेजी से निपटाया जाएगा और जल्द से जल्द इसकी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने दो जुवेनाइल्स को एप्रिहेंड किया है, जो कल देर रात की जो घटना हुई थी जिसमें एक अबोध बालिका के साथ रेप का इंसिडेंट हुआ था। इस बीच मासूम से बलात्कार के आरोपियों के पकड़े जाने के दिल्ली पुलिस के दावे के बाद पीड़ित बच्ची के पिता सामने आए। पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा कि पुलिस आरोपियों को उनके सामने लेकर आए, जो था उन्होंने पकड़ लिया, अब मेरे को वो यहाँ चाहिए, मेरे को पब्लिक के सामने और पब्लिक के सामने चाहिए, जो वादा किया है मैं वो पूरा यहाँ करके दिखाएं बस। बता दें कि शुक्रवार की रात परिवार के साथ रामलीला देखने गई बच्ची को दोनों आरोपियों ने बाइक से अगवा कर लिया था और फिर बाद में उसके साथ रेप किया। अब बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है। दिल्ली में मासूम से गैंगरेप के बाद लोगों में जहां गुस्सा है, वहीं राजनेता इस पर सियासत भी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग से मुलाकात की है और ये भी कहा है कि वो शीला दीक्षित नहीं है, चुप नहीं बैठेंगे, पीएम मोदी को चैन से भी नहीं रहने देंगे। 2.5 साल की बच्ची पर हुई दरिंदगी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग से मुलाकात की और फिर से पीएम पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए नहीं गए, कोई मिलने के लिए नहीं गया, क्यों नहीं मिलने के लिए गया? प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, सारे देशों में जा सकते हैं। अगर बहू किसी घर अपनी बहू बेटी की इज्जत लुट गई, छोटी सी बच्ची की, तो कम से कम उसके परिवार से मिलने तो जा सकते हैं। केजरीवाल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को उनके अंदर कर दिया जाए। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत दी। केजरीवाल जी अनर्गल प्रलाप करने की जो उनको आदत हो गई है, गवर्नेंस को छोड़कर सुबह और शाम ये कोसने का जो कार्य इन्होंने चालू कर दिया है, गवर्नेंस का कोई कार्य ये करने के लिए तैयार नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर में ट्रक मालिक जाहिद की मौत के बाद कई इलाकों में तनाव है, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, ट्रैफिक जाम किया है। हालांकि सरकार ने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा जिलों के अलावा घाटी के बाकी इलाकों में भी तनाव प्रदर्शन हुआ। इस दौरान अनंतनाग जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अनंतनाग और कुलगाम जिले में प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ा है। सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। इस प्रकार की घटना आगे ना घटे और ऐसे प्रकार के करने वालों के ऊपर जो है कार्रवाई हो, ये सरकार उसकी जो है बिल्कुल हम छोटी देते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनके झांसे में ना आइए हम। आरोप है कि जाहिद और उसके साथी को उधमपुर जिले में कथित तौर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल छिड़क कर ट्रक समेत जला दिया था, जिससे जाहिद और उसका साथी बुरी तरह घायल हुए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करा गया, लेकिन आज सुबह जाहिद की मौत हो गई, जिसकी खबर फैलते ही घाटी में तनाव हो गया। बढ़ते तनाव के बीच अलगाववादियों ने कल कश्मीर बंद का आह्वान किया है। और अब खबर गुजरात के वडोदरा से, जहां पर अस्पताल में एक मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया, डॉक्टर्स और वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की और ये पूरी घटना कैमरे में कैद भी हो गई।
सीसीटीवी कैमरे में कैद मारपीट कर रहे ये लोग एक मरीज के रिश्तेदार हैं। अपने परिजन की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की और गाली गलौज की। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ था लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उन्होंने ये बात उनकी पत्नी को बताया और पोस्टमार्टम करने के लिए कहा, जिस पर वो लोग भड़क गए। अस्पताल ने उनकी बात मानते हुए एम्बुलेंस मंगा दी, लेकिन तब तक उन्होंने 10-8 लोगों को बुला लिया था जिन्होंने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान पुलिस को भी बुलाया गया लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब अस्पताल के कर्मचारी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 101 पर मैंने एम्बुलेंस मंगा दी, फिर एम्बुलेंस आ गई तो फिर उसकी वाइफ नीचे बॉडी को लेकर जा रही थी, तब करीबन 8-10 लोग मेरी ऑफिस में घुस आए और बिना वजह मुझे बहुत मारा। दाल की कीमतें आसमान छू रही है, ऐसे में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने दाल के आयात निर्यात और स्टॉक को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी। केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे ये लोग राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ता हैं। उनका आरोप है कि सरकार नवरात्र के मद्देनजर भी कोई कदम नहीं उठा पाई, इस वक्त भी दाल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। गरीबों का खाना क्या होता है? कांदा भाकरी और वरण भात। कांदा भी महंगा और दाल भी महंगी, तो लोग खाएंगे क्या? वो बोल रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लोगों को भी नहीं खाना मिल रहा है। उधर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुटकी ली। दाल 200 रुपए प्रति किलो, मोदी, मैंने कहा था ना कि जो काम कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई वो एक साल में करके दिखा दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 68 बरस में हिंदुस्तान में कभी दाल के दाम इतने नहीं हुए। दाल और चटनी, यही तो गरीब के भोजन था। दाल में भी आग लग गई और चटनी प्याज में भी आग लग गई। इस बीच केंद्र सरकार ने इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और बड़े रिटेल स्टोर पर दाल की स्टॉक लिमिट करने का फैसला किया है ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। भारी स्टॉक का निर्यात किया गया है, आयात किया गया है और राज्यों को तो 6 महीना पहले से कहा जा रहा था कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप एस्टीमेट दो, मंगाओ। दाल पर ये सियासी दंगल भी जारी है, लेकिन दीपावली से पहले ही 200 रुपए के करीब दाल की कीमतें पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके को दाल का कटोरा कहा जाता है। आखिर क्यों बढ़ी है दाल की कीमत? किसानों से मिलकर उनके हालात को भी जानने की कोशिश की IBN 7 ने। होशंगाबाद के किसानों को 2 सालों में बेमौसम बारिश और ओलों की मार झेलनी पड़ी है। उनकी तुअर दाल की फसलें बर्बाद हो गई हैं और सरकार से मदद नहीं मिल पाने की वजह से वो खासे खफा हैं। फसल में सरकार ने कभी कोई एड नहीं दिया। ये फसल अगर खराब हो जाए सर, दूसरी फसल तो हम कम कीमत में बेच भी लें, लेकिन ये खराब हो जाए तो हमारी कम कीमत में नहीं बिक पाती। हमको मवेशी खिलाना पड़ा है कभी कभी, ऐसे मौके आए। एक जमाने में पिपरिया, गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर में सैकड़ों दाल की मिलें हुआ करती थी, लेकिन अब तादाद खासी कम हो गई है। जो लोग मिल चला रहे हैं उनके लिए भी ये मुसीबत का दौर है। आसपास की मंडियों में तुअर का माल है तो वो भी बेहद ऊंचे दामों पर। तुअर का कच्चा माल 14,000 रुपए के आसपास बिक रहा है, उसकी अगर हम दाल बनाते हैं तो करीब 18,500 रुपए क्विंटल में पड़ती है। इस भाव में ये माल बिक नहीं रहा है हमारा। सवाल ये है कि अगर तुअर के किसान और मिल मालिक दोनों मुश्किल में हैं, तो 200 रुपए किलो बिक रही दाल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में दाल के व्यापार पर नियंत्रण का आदेश लागू कर दिया है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही स्वर्गीय स्मिता पाटिल के जीवन पर एक किताब जारी की गई। बिग बी ने इस किताब को जारी करते हुए उस दौर को याद भी किया। कुछ और फिल्मी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद थी। अपने जमाने की संवेदनशील अदाकारा स्मिता पाटिल पर लिखी किताब को जारी करते हुए उनके साथ काम करने वाली अभिनेत्री शबाना आजमी भावुक हो गई। उन्होंने निशान फिल्म के दौर को याद करते हुए कहा कि जब ये फिल्म कान के लिए नॉमिनेट हुई थी तो उनको $8 मिले थे और श्याम बेनेगल ने कांजीवरम साड़ी पहनकर रैंप पर चलने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने स्मिता के साथ कुछ व्यक्तिगत लम्हों को भी याद किया। टुडे इन पब्लिक मेमोरी आई रियली थिंक आई कुड वेल बी शबाना पाटिल एंड शी स्मिता आजमी एज फार एज पब्लिक मेमोरी गोज। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि वो स्मिता के दोस्त थे, लेकिन ज्यादातर बातचीत फिल्म के सेट पर ही होती थी। By having a sense of premonition, she was a dear friend of mine. We worked together in some very important films. But other than meeting her on sets, I never really had a social equation with her. इस मौके पर जया बच्चन, श्याम बेनेगल समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थीं।
पटेल समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर आरक्षण छेड़े हुए हैं। इनके नेता हार्दिक पटेल ने यहां धमकी भी दी थी कि राजकोट में होने वाले आज के मैच का विरोध किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल हार्दिक पटेल ने राजकोट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस वक्त चल रहे तीसरे वनडे मैच में बाधा डालने की धमकी दी थी। पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के हार्दिक पटेल आंदोलन अपना जारी रखे हुए हैं। इस धमकी के बाद राजकोट प्रशासन ने वहां मोबाइल और इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अलावा भी देश दुनिया का तमाम ताजा हाल देखते रहें IBN 7।